देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते। खड़े हुए हैं पंजाब अते हरियाणा की सांझी राजधानी जिथे देश दे विच कोविड लगातार बढ़ रहा उत्थे ही इन्हां सूबियां विच भी कोविड की एक वड्डी मार देखण नूं मिल रही है। कल की गल कर लिए तो कल भी लगातार एक वड्डे केस एक ज़्यादा केस पंजाब दे विच सामने आए उत्थे ही अजिहे ही हालात हरियाणा के भी ने। चंडीगढ़ दे विच भी लगातार केस बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां भी लगातार बढ़ रही ने और कोविड की तीसरी लहर नूं लैके जिहड़ी लगातार सख्ताइयां ने वह होर बढ़ाईयां जा रही ने। जिस जगह पर असीं खड़े हुए ये चंडीगढ़ की सब्जी मंडी है मशहूर 26 की मार्केट की सब्जी मंडी इस जगह पर भी बहुत सारिया पाबंदियां ने जड़िया लगा दी गई ने। 10 जनवरी तो बाद कोई भी आम व्यक्ति इतने आके सब्जी नहीं खरीद पाएगा। उत्थे ही गल कर लिए जे केवल रेहड़ी वाले आ उन्होंने सब्जी खरीदने की परमिशन होएगी। तस्वीर तुहानू चारे पासे दीआं दिखा दिंदे आ। काम हाले तक जिहड़ा नॉर्मल है वह चल रहा और जिहड़ियां पाबंदियां की लगाईआं गईआं ने उन्हां पाबंदियां का भी जिक्र कर लैंदे आ कि पाबंदियां ने जिहड़ियां वख वख सूबियां दे विच लगाईआं गईआं ने। पंजाब दे विच पाबंदियां किहड़ियां लगाईआं गईआं ने सब तो पहला गल कर लईए हरियाणा की। हरियाणा की गल करी जाए तो हरियाणा दे विच 3 तो लैके 12 तरीक तक जिहड़े जिन्ने भी सरकारी स्कूल ने प्राइवेट स्कूल ने कॉलेज ने यूनिवर्सिटियां ने ITI ने तमाम उन्हां चीज़ां नूं बंद कर दिता गया और केवल जिहड़े मैडिकल दे नाल संबंधित कॉलेज ने उन्हां नूं ही खोलण की परमिशन दी गई और वह भी कोविड प्रोटोकॉल दे नाल। उत्थे ही गल करी जाए जिहड़े किसी भी व्यक्ति दे संस्कार दे लई 50 व्यक्ति अलाउ किए गए ने ते व्याह समागम दे लई 100 व्यक्ति ही भाग लै सकदे ने। उत्थे ही जिहड़ा मास्क तो बिना किसी की एंट्री नहीं होएगी और बिना मास्क के जिहड़ा 500 रुपये जुर्माना हैगा वह हरियाणा सरकार दे वल्लों रख्या गया। उत्थे ही रात 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक दीआं जिहड़ियां पाबंदियां ने वह लगा दित्तियां गईआं ने। हरियाणा दे विच जिहड़ा कामकाज दे लई रात नूं 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक किसी भी तरह की मूवमेंट है जिहड़ी वह नहीं होएगी और जिहड़ा ग्रुप ए रख्या गया उस दे विच गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला पंचकूला सोनीपत और होर जिहड़े कुछ एरिए ने वह इस दे विच रखे गए ने जिन्हां दे विच सब तो ज़्यादा केस आ रहे ने। तो चंडीगढ़ के बिल्कुल नाल लगते दो जिले असी कह सकते हैं पंचकूला और थोड़ी दूरी पर जाके अंबाला का जिहड़ा एरिया वह शुरू हो जाता है। उत्थे ही हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के एक जिहड़ा संयुक्त रूप के फैसला है कि जिन्ने भी होटल ने जिन्ने भी रेस्टोरेंट ने उन्होंने केवल 50% कैपेबिलिटी के नाल ही खोलिया जा सकता और जिन्ने भी सिनेमाघर ने उन्होंने भी 50% कैपेबिलिटी के नाल खोलिया जा सकता है। केवल 50% लोग ही ने जिहड़े इन्हां दे विच आ सकते हैं। चंडीगढ़ के जिक्र इस करके खास हो जाता है क्योंकि दोनों सूबों की सांझी राजधानी है और अक्सर लोग कामकाज के लिए या सरकारी दफ्तर के लिए जिहड़े चंडीगढ़ ने वो आउंदे रहिंदे ने। तो चंडीगढ़ के विच भी इस तरह दीआं पाबंदियां ने रात को 10 बजे तो लैके पंजाब और चंडीगढ़ के विच रात को 10 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जिहड़ी पूरी मूवमेंट है उसनू रोक दिता गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां जिहड़े बंद करन दे हुक्म दे दित्ते गए ने। सरकारी अदारियां दे विच भी कहा जा रहा है कि 50% जिहड़ी कैपेबिलिटी दे नाल काम किया जाए और प्राइवेट अदारे भी इस नूं फॉलो करदे रहन। उत्थे ही जिहड़ियां प्राइवेट बसा ने जां सरकारी बसा ने जिहड़ियां AC बसा ने उहनां दे विच कहा गया कि केवल 50% जिहड़ियां सवारियां ने उही AC बसा दे विच बैठ सकदियां ने। स्विमिंग पूल जिम और स्पा सारे ये चीज़ां जिहड़ियां बंद कर दित्तियां गईआं ने। केवल जिहड़े स्पोर्ट्स के खिडारी जिहड़े ट्रेनिंग लै रहे ने उही प्लेग्राउंड दे विच जा सकदे ने। आम व्यक्तियों का जाना जिहड़ा वह मना कर दिता गया और चंडीगढ़ के लिए एक खास हदायत जिहड़ी जारी कर दी गई है चंडीगढ़ के विच कि जिस जगह पर असी जिस चीज़ का जिक्र मैं पहला कर रहा कि जिहड़ी सैक्टर 26 की सब्जी मंडी है इतों की मशहूर सब्जी मंडी एक वड्डी सब्जी मंडी है इस नूं भी 10 जनवरी तो बाद आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। पिछली महामारी का जिक्र कर लिए तो याद होएगा कि बापू धाम जिहड़ा 26 के नाल दा बिल्कुल एरिया उत्थों कोविड के बहुत ज़्यादा केस आए थे। उस तो बाद इस सब्जी मंडी भी बंद कर दिया गया और इस सब्जी मंडी इतों शिफ्ट करके सैक्टर 17 का जिहड़ा बस स्टैंड है उसनों आरजी तौर पर सब्जी मंडी बनाया गया सीगा पर इस बार एहतियात ने जिहड़े पहलों तो ही वरते जा रहे हैं क्योंकि पंजाब के जिहड़े नाल दे एरिए ने जां चंडीगढ़ के जिहड़े तमाम लोग ने इसे जगह पर सब्जी खरीदने लियाउंदे ने और एक खास हदायत जिहड़ी पालिका बाजार सदर बाजार जिहड़ा सैक्टर 19 दा पटेल मार्केट सैक्टर 15 दी शास्त्री मार्केट सैक्टर 22 दी और मोबाइल मार्केट सैक्टर 22 दी जिहड़ी बिल्कुल सैक्टर 17 के सामने का एरिया हैगा और उत्थे ही कृष्णा मार्केट सैक्टर 41 दी जिहड़ी इह कपड़ियां नूं लैके मार्केटां ने और अपनी मंडी है जिहड़ी इह जिहड़ियां तमाम चीज़ां का मैं जिक्र किया हैगा इन्हां नूं शाम नूं 5 बजे बंद करना होएगा। जिन्हां जिन्हां चीज़ों का मैं जिक्र किया हैगा कुछ सब्जी विक्रेता ने उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। की नाम है जी? नाम क्या? नाम तो बता दो। नाम है मेरा। क्या काम क्या करते हो यहाँ? मैं फ्रूटो काम करता हूँ। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगने जा रही है 10 जनवरी से आम लोगों का यहाँ आना बंद करने जा रहे हैं तो क्या लगता है काम पे कोई असर पड़ेगा? काम पे बहुत असर पड़ेगा सर हमारे काम पे तो।
मंडी हाँ जी हाँ जी मंडी वाले पे भुखमरी आ जाएगी इस हिसाब से। तो कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन क्या लगता है आपको, इस चीज का सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए? जब टीके लग रहे हैं तो केस तो बढ़ने नहीं चाहिए, फिर भी केस बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह से जो मैंने पहले बताया कि 10 जनवरी के बाद इस सब्जी मंडी को भी बोला है कि आम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, केवल रेहड़ी वाले ही यहाँ पे आ सकते हैं। फिर जिम्मेदार भी मरेगा इसमें, तो लाने वाला किसान भी मरेगा जब उसका माल ही नहीं कोई खरीदेगा, जब कोई आएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे माल लगा के, तो नुकसान ही है। आम लोगों की अगर बात कर लें तो कितने लोग हैं हर रोज जो इस सब्जी मंडी में आते हैं बिना रेहड़ी के? हजारों लोग हैं जी, हजारों की तादाद में। पहले तो पार्किंग वाले ने परेशान कर रखा, कोविड वाले ने कर दिया। हाँ, ये बात है। इधर पार्किंग वाले जबरदस्ती धक्के से आने जाने वाले से 20 रुपए गेट पे पर्ची लगा रखी है उन्होंने, पार्किंग में कोई जाता नहीं तब भी पर्ची ले लेते हैं, ठेका हुआ पार्किंग का पर्ची काट रहे 20 रोड के अंदर। तो अब अगर इसका सलूशन देखें, पिछली बार की हम बात कर रहे थे बापू धाम बिल्कुल साथ का एरिया है, वहाँ पे भी कोविड के बहुत ज़्यादा केस आए थे, यहाँ से सब्जी मंडी को सेक्टर 17 में शिफ्ट कर दिया था, तो उसके बाद काम पे कोई असर मिला था? अभी काम कैसा चल रहा था उसके बाद का? उसके बाद असर तो पड़ा था जी, जो बेचने वाले वो भी परेशान, जो किसका माल आ रहा वो भी परेशान, सारे परेशान थे यहाँ। अब अच्छा भला 2 रोटी मिल रही है, इससे भी जा रहे हैं लोग। मास्क वगैरह पहन के आते हैं यहाँ पे प्रॉपरली? पाके आते, कई लोग नहीं पाते जिनको नहीं पता, नहीं तो प्रॉपर पाके रखते दुकानदार। तो लगता है कि ऐसे कोविड दूर हो सकता है जिस तरह से आपने मास्क पहना है? जी वैक्सीन लगी हुई है हमारे। क्या वैक्सीन के बाद मास्क पहनना जरूरी नहीं है? जी है। तो फिर आपने क्यों नहीं पहना? जी मास्क लगा के रखते हैं। कहाँ लगाया? अभी अभी आपके मास्क लगाया या नहीं जी? आपके पास में भी अगर मास्क है तो निकाल के पहन के दिखाओ जी। हम रुमाल बांधे मास्क से। रुमाल कहाँ है? रुमाल कहाँ पे है? ये रुमाल है, देख सकते हो। ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद कोविड की जिम्मेवारी बनते हैं, जो मास्क इनकी जेब में भी नहीं होता। एक तो कम से कम कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जड़े मास्क भी नहीं पाउंदे, और यही वजह के कारण शायद ऐदां दीआं पाबंदियां ने जिहड़ियां उह लगाउणियां पै रहीआं ने। किस तरह देख रहे हो इन्हां लोकां नूं? देख रहे हैं जी, अब कोई जिसको नहीं पता होता वो तो लगा के आता है, वो सोचता है वैक्सीन टीका लगा के क्या कोरोना नहीं लगेगा। पर सरकार तो कह रही है कि वैक्सीन के बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहने, जो एहतियात है वो बरतने चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि इसके बाद कोविड नहीं होगा। कोविड अब पता क्या जी, अब जिन बंदे को नहीं पता कि इंजेक्शन लगने के बाद भी मास्क लगाना है, वो तो फिर चलान वालों को ही पता होगा, चलान काटेंगे उनका, चलान काटेंगे कि हाँ ये जरूरी है कि मास्क लगाना। पर जब चलान कटता है तो लोग फिर गुस्सा करते हैं कि हमारा चलान क्यों काट रहे हो? नहीं नहीं यार, रोज कटता है जी चलान, तो बहुत सख्त ही है, सब लगा के रखे, कोई कोई बंदे हैं जो नहीं लगाए हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे 26 मंडी में कोई कस्टमर भी आता है या कोई सेल करता है, कोई परचेज कर रहा है, सारे मास्क लगा के आते हैं, उसका पालन मंडी में अब कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब 100 में से 1 होगा, जो 100 में से 1 होगा जो उसको भू दिमाग से निकल जाता होगा, जो पाता नहीं होगा मास्क, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे ही पा रहे हैं मास्क। जो जितने भी सब्जी विक्रेता हैं यहाँ पे, जो भी जो सब्जी बेचते हैं या बेचने आते हैं, क्या उनका सभी ने डबल डोज लगवा रखी है यहाँ पे? हाँ जी डबल डोज लगाए हुए ही रखी है, सबने लगा रखी है डबल डोज। 90% सारे डबल डोज वाले मंडी में एंटर है, अदरवाइज जो बंदा जॉब लेस है वो तो फिर तो आपको पता है वो बिना जॉब के डबल डोज के कोई लगेगा नहीं। जो हाँ एक आध रह जाता है, जो उसको कहीं गांव कहीं जाना होता है, कहीं आना जाता है, तो वो बंदे के दिमाग से निकल जाती है जी, अदरवाइज तो सारे डोलमो है। तो अब जो चंडीगढ़ में पाबंदियां लग रही हैं कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सब्जी मंडी में ज्यादातर जो बाहर का सामान है वो इसी समय आता है, तो इसका असर क्या देखने को मिलेगा सब्जी के ऊपर? सब्जी के ऊपर जो किसान है वो डूब जाएंगे, जो बेचने उचने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं वो बंदे भूखे मरने शुरू हो जाएंगे दोबारा से। अब उनको क्या होगा, सब्जी ना कोई खरीदने वाला होगा ना कोई देने वाला होगा, जो बीच में जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो भी नहीं, प्रॉपर माल ना मिलेगा ना बेच पाएंगे वो। रास्ता क्या देखते हो, इस चीज़ का रास्ता क्या निकालना चाहिए? अब रास्ता ये होगा जी, अब लॉकडाउन इधर तो कह रहे हैं कि मंडी मंडी में मंडी के बगैर तो किसी का काम ही नहीं है जी, लाखों बंदा है मंडी में, जो रोजगारी उसकी मंडी से चल रही है जी। पीछे भी खड़े, आपका क्या नाम है सर? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी क्या काम करते हो यहाँ? यही मैं सब्जी का काम करते हैं, सब्जी बेचने का, सब्जी का। तो क्या 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 लग रहा है, जो अभी नए रूल लागू होने जा रहे हैं कि 10 जनवरी के बाद कोई यहाँ पे आम इंसान नहीं आ पाएगा, केवल सब्जी बेचने वाले ही यहाँ पे आ सकते हैं जो शहरों में घूमते हैं,
तो इससे काम पे कितना बड़ा असर पड़ेगा और इसका सलूशन क्या नजर आता है कि इस तरीके से सब्जी मंडी को चलाया जा सकता है अगर सरकार ऐसे कदम उठाए? नहीं सर, इससे बहुत बुरा हाल है, इससे बहुत बुरा हाल होगा भाजी। एक दो बीमारी फैलेगी और बाकी दो बीमारी क्या फैलेगी जी? भुखमरी फैलेगी सर, इससे बहुत नाजायज है। अगर कोरोना काल में टीका लगाया, अरबों खरबों रुपए सरकार खर्ची है, अब फिर भी वही हाल रहेगा पहले से, उसमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? अगर रिटेल मंडी नहीं लगेगी तो पहले कोरोना काल में आदमी, गरीब आदमी भूखे मर गए हैं, एक मिनट, कोरोना काल में भूखे मरे पड़े हैं पहले से, इसमें सब परेशान हैं, ताजा कमाने खाने वाले 100-200-500 कमाने वाले, आखिरी लाखों आदमी यहाँ मंडी में काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आप प्रशासन हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, मास्क का पालन करवाओ। प्रशासन है, पुलिस है, कमेटी है, सिक्योरिटी है, किस लिए है ये, किस लिए बैठी है ये, नजर करो इसमें। मैं मानता हूँ 20% पल्लेदार जो वहाँ बिगर मास्क के चलते हैं, ये वजन लेके ऑक्सीजन नहीं ले सकते मास्क लगा के, इसलिए परेशानी गरीब आदमी पे इसका असर पड़ेगा। अब मंडी रिटेल नहीं बंद होना चाहिए। सरकार कहती है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें हम भीड़ कम करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं, तो इसका क्या लगता है कि कौन से कदम उठाए जाएं कि आपकी मंडी भी चलती रहे और आपका काम भी चलता रहे और कोविड भी ना फैले? सर बिल्कुल, इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसमें हम मार्केट कमेटी को, सरकारी वेतन पाती किस लिए, पुलिस प्रशासन किस लिए है, उनको हल्का फुल्का मंडी के अंदर राउंड मारना चाहिए, लोगों को जागरूक करो कि हाँ भाई भीड़ मत लगाओ, पीछे पीछे करके बैठो, गैप रखो, मास्क लगा के रखो, इससे गरीब का भी रोजी चलती रहेगी, बीमारी भी नहीं फैलेगी। अब रिटेल बंद कर देने से सर देखो इसका समाधान नहीं है। पिछली बार भी जब कोविड फैला था, मेरे को याद है कि यहाँ से सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था और सेक्टर 17 का जो बस स्टैंड है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। सर बिल्कुल, इसमें नाजायज हुआ था, गरीब बार मार बहुत सब कर्जे में डूब गए हैं, आड़तियों का लाखों करोड़ों रुपए मर गया, परचून वाले भूखे मर गए। मोदी बोलता है कि कमरे किराया मत लो, लेकिन कोई मकान मालिक नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ जब सरकार बिजली पानी नहीं छोड़ रही है तो मकान मालिक किराया कहाँ से छोड़ेंगे? इसलिए गरीब मार इसमें ज्यादा होगी इस चीज से। कोरोना काल में गरीब बंदे की जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। इस सिचुएशन से बंदा कोई भी कामकाज नहीं कर सकता, और इस महामारी के चलते हुए जो पब्लिसिटीज पे फर्क पड़ा है वो जैसे क्या बताएं हम, सारी अर्थव्यवस्था सारी ठप हो चुकी है। चंडीगढ़ में जो नए रूल लागू हुए हैं उसका क्या असर देख रहे हो आप लोगों के ऊपर? सब्जी मंडी के बोला है कि 10 तारीख के बाद आम कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ऐसा है कि ये तो चलते ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जो बीमारी अब चल चुकी है और क्योंकि ये तो ऐसे ही चलनी है। सर ऐसा है, अधिकारी और अफसर रूल लागू कर दे रहे हैं, अफसर तो घर में बैठे रहेंगे, उनके फोर क्लास के कर्मचारी आएंगे साग सब्जी लेके जाएंगे, जाएंगे तो गरीब आदमी से लेके ही, उनको तो लागू करना, किसी का हमदर्दी का नहीं पता भूखे मर रहा कौन कौन कैसा है, इसलिए लागू नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार एक्शन ले, सरकार के मार्केट कमेटी को शक्ति दे, यहाँ पे कॉरपोरेशन के बंदे हैं, पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी को शक्ति करवाएं कि मास्क लगा के अपना कारोबार करो, पीछे पीछे बैठ के गैप रखो, गरीब बंदा तो वैसे ही मर जाएगा, इसका समाधान यही है, नहीं गरीब मार बहुत ज्यादा हो जाएगी। गरीब बंदा वैसे ही मर जाएगा, सरकार के मोदी सरकार के अंडर में सरकारी बंदे हैं, वो तो सरकार की सैलरी उनको जा रही है, जो 300 रुपए कमा रहा है वो बंदा कहाँ जाएगा? 300 रुपए का दूध ले आएगा, चाय पत्ती या राशन ले आएगा, घर का खर्चा करेगा, स्कूल का देगा, फिर वो ही मंडी से कर रहा है, 300 रुपये रोज 400 रुपये रोज कमा रहा है जो, और जो नहीं कमाएगा तो बच्चे तो ऐसे ही अनपढ़ हो जाएंगे, भूखे घर में तू दूध कहाँ से आएगा, आटा कैसे आएगा, उसका कैसे हम सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन कोई नहीं है। सरकारी बंदे तो अपनी सैलरी आ रही है फिक्स, अब वो काम करे या ना करे उनके पास तो सैलरी फिक्स आ रही है, या उनका काम हमें दे दो, उनका काम हमें दे दो, जो 300 रुपये रोज कमा रहे हैं उनको दे दो,
हम घर पे बैठ जाएंगे। जब उसका कोई हमें सोल्यूशन निकालो उस चीज का कि आम बंदा घर पे बैठ जाए और उसको पैसे टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, 300 नहीं मिल रहे तो 200-300 कमा रहे तो हमें। पहले पहले कोविड हुआ था तो कोई राशन वगैरह आपको मिलता था उस समय? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो बाहर ही क्यों आते निकल के घर से? फिर जब टाइम से राशन कुछ भी मिलता तो टाइम से आते क्यों? जब कुछ मिल ही नहीं रहा था जब भी बाहर आ रहे थे, डंडे डुंडे खा रहे थे। सरकार तो कहती थी कि हम बहुत सा राशन बांट रहे हैं, उसमें राशन मिल रहा था, जिसकी सब्सिडी आ रही थी उसी को ही राशन मिल रहा था, बाकी अन्य किसी आधार कार्ड पे या किसी को राशन नहीं दिया जा रहा था। ये इलेक्शन डिपार्टमेंट और जो कोटेदार का ये काम था कि जिसको राशन ऐसे ना दिया, जिसकी सब्सिडी आ रही है उसी को ही राशन दिया जाए। और यही आज तक हमने देखते आए हुए है, और कई लोगों की सब्सिडी भी बंद हुई, खाता बंद हुआ, उसमें भी राशन नहीं मिला, वही राशन ब्लैक मार्केटिंग हुई है। जो चंडीगढ़ प्रशासन, जो कोटेदार, आपका कार्ड कौन सा नहीं बना हुआ है? मेरा सारे कार्ड बने हुए, फिर भी मेरे को सब्सिडी मेरी बंद हो गई और उसमें मेरे को अन्न राशन नहीं दिया गया आज तक। कोटे में भी वही गया, आज भी गया और अभी भी वही हो रहा है। और जो चंडीगढ़ प्रशासन राशन कार्ड न्यू कार्ड बनवाने के लिए लाइन में भी लगवाती है, फिर भी नहीं बनने देती है, उठा के रद्दियों के भाव में फेंक दिए जाते हैं वो फार्म। तो जड़े लोग ने इत्थे जड़े सब्जी बेचते ने उन्हां नाल गलबात है जड़ी वो कर रहे हैं, और तस्वीरां तुहानू सब्जी मंडी दियां भी दिखा दिंदे हां जिथे मास्क जरूर पहने हुए ने सारे ने लगभग। और जड़े इन्होंने गल कही है कि हर रोज इत्थे चलान कट्टण दे लई भी लोग ने जड़े आउंदे ने, चलान कट्टण दे लई लोग भी आउंदे ने, और जिहड़े हर रोज जिहड़ी इंस्पेक्शन उह कीती जांदी आ, पर जेकर काम बंद कर दिता जांदा तां इन्हां दा इक जिहड़ा वड्डा नुकसान है उह हो सकदा है। गल असीं कोविड दी कर रहे सी क्योंकि पंजाब हरियाणा दी सांझी राजधानी चंडीगढ़ आ, और इसे एरिए दे विच जिहड़ियां खास तौर ते हदायतां जारी कीतियां गईआं ने, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੀ ਪਰਛਾਈ, अब देखें ABP सांझा, टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।